हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आपके यूट्यूब चैनल द एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों आज मैं आपको मेरी कॉलोनी की छोटी सी प्रोग्रेस दिखाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये जो मेरी कॉलोनी है, इस कॉलोनी में मेरे 12 पैर हैं और 8 पैर के नीचे अभी बच्चे भी हैं और बाकी जो पैर हैं उनके नीचे अंडे हैं। तो फ्रेंड, इस कॉलोनी का ये सेकंड क्लच है। फर्स्ट क्लच में मुझे यहाँ से 40 चिक्स मिले थे जो मैंने नई कॉलोनी बनाई है। फ्रेंड्स, मैंने वहाँ सभी को छोड़ दिया है और ये अभी सेकंड क्लच शुरू हो गए है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी बच्चे भी निकल आए हैं और काफ़ी बाहर भी आ गए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं पहली मटकी में क्या है। फ्रेंड्स, ये पहली मटकी है और इस मटकी में 4 चिक्स हैं, चारों वाइल्ड हैं। इस की जो फीमेल है वो येलो कलर की, वाइट कलर की, और वो मेल बजरी है ब्लू कलर का। ये सेकंड मटकी है, इसके अंदर 6 एग्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये फीमेल काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों को पालती है। ये मटकी में देखिए 2 चिक्स हैं, इसमें 4 चिक्स है फ्रेंड, लेकिन 2 चिक्स एक्सपायर हो गए हैं। चलिए देखते हैं अगली मटकी को। इस फीमेल ने भी अभी 1 दे रखे हैं। ये फीमेल भी बहुत अच्छा पालती है अपने बच्चों को और 6-7 एग्स भी देती है, उसमें से 5 चिक्स तो पक्का निकालती भी है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अगली मटकी में क्या है। इसमें फ्रेंड 4 चिक्स थे, 2 चिक्स अभी बाहर आ गए हैं और 2 चिक्स अभी आपको दिखाई भी दे रहे हैं। ये भी काफ़ी अच्छी हेल्थ है इनकी और 2-4 दिन में ये भी बाहर आ जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मटकी की तरफ। फ्रेंड्स, इसमें 2 चिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें 5 चिक्स थे, 3 चिक्स बाहर निकल आए हैं और काफ़ी अच्छी हेल्थ है इनकी भी। फ्रेंड्स, ये जो फीमेल है इसके हमेशा ये 5 चिक्स निकालती है, लेकिन इस बार 3 चिक्स ही निकाले हैं इसने और ठीक ठाक है अभी हेल्थ तो इनकी। इसमें 1 साया है अभी। देखते हैं दूसरी मटकी में क्या है। इसमें फ्रेंड 4 एग्स दिए थे इस फीमेल ने और 3 बच्चे भी निकल आए हैं। 1 अभी पड़ा है, उसमें से भी बच्चा निकलेगा। देखते हैं दूसरी मटकी। इस मटकी में फ्रेंड 4 चिक्स हैं, 3 तो दिखाई दे रहे हैं, 1 वो छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा है, बहुत ही छोटा है फ्रेंड। 4 चिक्स हैं इसके अंदर भी, ये खाली है। इसके अंदर फ्रेंड्स 5 चिक्स हैं, 5 चिक्स दिखाई दे रहे हैं। 1 एग्स भी पड़ा है, ख़राब है लग रहा है ऐसा ही तो, और 1 बच्चा भी एक्सपायर हो गया। फ्रेंड्स, चिक्स एक्सपायर होते रहते हैं, हम लोग जितना इनको अच्छे से रख लें, कितना भी अच्छा सॉफ्ट फूड दें, सीड दें, लेकिन चिक्स फिर भी मरते हैं फ्रेंड। कई बार पेरेंट्स की वजह से मरते हैं, कई बार हम लोगों से गलती हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जब भी ब्रीड हो रखी हो, बच्चे निकल आए हों, तो आप वीक में 1-2 बार अपने मटकी को अच्छे से चेक करें, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे दूर कर सकें। तो इस तरह से भी बच्चों को बचाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी प्रोग्रेस आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और फ्रेंड्स मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।